हे बेबी, कैसी हो? कहाँ जा रही हो? बेबी? बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ हम रोज मिलते हैं। अच्छा, एक मिनट अर्जुन, तुम एक काम करो, जाओ, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। एक मिनट, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम अपने पति के सामने इसको बेबी बोल रही हो और तो और इसके साथ जा रही हो मुझे छोड़ के। अर्जुन, हम जिस दोस्त के पास जा रहे थे ये वही तो है, अभी यही मिल गए तो इनके साथ चली जाती हूँ, सिंपल तो है। जस्ट शट अप, ये बुड्ढा तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? अर्जुन, माइंड योर लैंग्वेज, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ बेटा, नेहा और मैं बचपन के दोस्त हैं। अबे ओ बुड्ढे, अपनी जुबान पे कंट्रोल रख, समझा? ये तेरी बेटी की उम्र की है। और नेहा, कहाँ मिला तुम्हें ये? उस दिन मैं तुमसे झगड़ा करके घर से निकली थी ना, बस तभी मिले थे। अच्छा, अब समझा मैं। नेहा, दूर रहा करो इससे, ये ना शक्ल से ही हरामी लग रहा है। तुम उस दिन घर से झगड़ा करके निकली ना, तो इसने मौके का फायदा उठाया, जानबूझ के तुम्हें कंधा देने की कोशिश करी ताकि तुम इसकी दोस्त बन जाओ। और ये, स्टॉप इट अर्जुन, यू आर ओवररिएक्टिंग। कहा ना कि मुझे बचपन से जानते हैं। अगर बचपन से जानते हैं फिर तो तुम्हारे बाप हुए ना, दोस्त कैसे हो सकते हैं? और बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की के ऊपर? तू जानबूझ के इस उम्र में इसे दोस्त बना के फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है इसकी? अर्जुन, enough is enough, बहुत देर से बहुत बकवास किए जा रहे हो तुम। हाँ, ये मेरे बाप जैसे थे, लेकिन उस दिन से पहले जब मैं झगड़ा करके तुमसे घर से बाहर निकली थी और एक जगह पे गुमसुम बैठी हुई थी। पता नहीं अर्जुन अपने आप को समझता क्या, सारा दिन ऑफिस में निकाल देता है, इसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मोहन अंकल, आप? अरे नेहा बेटा, तू जा क्या कर रही है? अंकल, मैं तो यहीं पास में रहती हूँ अपने पति के साथ, मेरा घर नजदीक ही है, पर आप यहाँ से अकेले बैठकर रो रहे हैं, सब ठीक तो है? अब क्या बताऊँ बेटा, घर में बहू बेटा सब है, पर उन सब के होते हुए भी ना ऐसा लगता है कि जिंदगी में मैं बहुत अकेला हूँ। बस अंकल, यही सेम प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, घर में बस अर्जुन और मैं। अर्जुन सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, अपने काम में बिजी रहता है, घर आता है तो सो जाता है, कोई है ही नहीं है जिसके साथ अपना दुख और सुख बांट सकूं मैं। शादी से पहले तो कुछ दोस्त भी थे, शादी के बाद तो वो भी छूट गए। अर्जुन के पास वक्त नहीं, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके बस चला जाता है। बेटा, तुझे ऐसे देख के ना बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तेरे पापा के जाने के बाद मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया करता था, और हाँ, तेरा दोस्त भी तो मैं ही हुआ करता था ना। हाँ अंकल, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी सारी बातें आपसे शेयर किया करती थी, और आप भी मुझसे कितनी बातें करते थे, कितना अच्छा टाइम था वो। आप जानते, यू वर माय बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। हमसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। अंकल, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, क्यों ना हम लोग वैसे ही बचपन में जैसे बेस्ट फ्रेंड्स थे वैसे ही हो जाए, एक दूसरे से मिलकर अपनी बातें शेयर किया करें, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटा करें, और दोस्ती भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हाय बेबी। उस दिन से हम रोज मिलने लगे, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करने लगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कभी मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है ना, तुम्हारा सारा वक्त तो ऑफिस में ही चला जाता है या घर पर सोकर निकल जाता है। अर्जुन, बात रही बेबी की, तो वो बचपन से इसी नाम से बुलाते आ रहे हैं मुझे। बेटा, नेहा को मैं बचपन से जानता हूँ, ये ना मेरे सामने कुछ और बड़ी होती, और इसकी मम्मी ने शहर बदल दिया, पर हमारा मिलना बंद हो गया, और अब मिले तो फिर से दोस्ती हो गई। और अर्जुन, जब एक बाप जैसा दोस्त मिलता है ना, तो उसका मज़ा ही अलग है, उसका सुकून ही अलग मिलता है। इनके मिलने से मुझे एक बाप मिल गया और इन्हें एक बेटी मिल गई। नेहा, मुझे माफ़ कर दो, और अंकल जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कितना गलत इल्ज़ाम लगाया और ना जाने आपको क्या कुछ बोल दिया, जबकि आप तो उन लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं जो लोग ये सोचते हैं कि एक बड़ी उम्र का आदमी और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, जबकि दोस्ती की तो कोई उम्र ही नहीं होती है, दोस्ती तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है। आई एम सॉरी। चलो, देर से ही सही, तुम्हें थोड़ी सी अकल तो आई। अब तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से, मैं अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा घूम के आती हूँ। ओके, अच्छे से इंजॉय करना, बाय बेबी। चले। दोस्ती की ना कोई उम्र नहीं होती, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।